बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को करीब 50,000 वोटों से हराकर महागठबंधन के प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने जीत दर्ज की है। वहीं जनपद की बीजेपी कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल के खेमे में ढोल नगाड़े और खुशियों का माहौल है। जीत के बाद प्रमाण पत्र लेने आई तबस्सुम हसन ने बताया कि यह जनता और महागठबंधन के हर उस नेता की जीत है जिसने दिन रात मेहनत की। उन्होंने कहा कि अब 2019 में भी महागठबंधन की जीत होगी और वह जीत कर रहेंगी। वहीं नूरपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी को सपा प्रत्याशी ने झटका दे दिया। नूरपुर से ही आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी नईमुल हसन की जीत दर्ज हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के खेमे में भी जश्न का माहौल है। विजय का श्रेय पहले तो इस कैराना लोकसभा की पूरी जनता को है और फिर हमारे महागठबंधन को है, सारे जितने भी लीडर थे, चाहे जी हो, चाहे राष्ट्रीय अजीत सिंह जी हो और जो है अखिलेश जी की पूरी टीम हो, हम सब और मायावती जी का पूरा सपना, पूरा प्यार प्यार, पूरा सही हो, राहुल और सोनिया जी के सब लोग सब लगे थे हमारे साथ में, मैं उन सभी को। यूपी इनपुट हेड वंदना रावत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वंदना, इसे क्या कहा जाए, महागठबंधन की एक सोची समझी रणनीति या फिर योगी का फेल्यूर, मोदी की लहर कम होती नजर आई है? बिल्कुल सुनील, ये तीन राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। यूपी की बात की जाए तो कैराना में बीजेपी का जो कब्जा था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो गठबंधन किया गया था यूपी में सपा का, सपा का और कांग्रेस का, वो गठबंधन यहाँ कामयाब देखा गया, कामयाब हो चुका है। जिसको लेकर अब देखिए कि वहाँ सपा में भी, नूरपुर की बात की जाए तो वहाँ बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट से भी सपा का कब्जा हो गया है। वहीं कैराना में रालोद ने अपना कब्जा कर लिया है, जबकि बीजेपी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे सोच समझ कर अपना प्रत्याशी जो खड़ा किया था हुकुम सिंह सुबेदी, दिलगंगा सिंह को खड़ा किया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता था कि हुकुम सिंह की मौत के बाद उनकी बेटी को वहां के लोगों की सिंपैथी मिलेगी, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश समझी चाल जो थी कहीं नाकाम साबित हुई और वहां पे रालोद ने बीजेपी को मात देकर कम से कम 55,000 वोटों से भी ज्यादा बीजेपी प्रत्याशी को हरा कर तबस्सुम हसन ने वहां पर अपना कब्जा बन गया। वो कैराना से अब नई सांसद बन चुकी है, ये बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका। बिल्कुल वंदना, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे और खबरों पर भी आपकी राय ली जाएगी। तो कैराना और नूरपुर